हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा जी क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने की वैकेंसीज के फॉर्म भरे थे। ठीक है, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती में कुछ बदलाव हुए हैं, वो बदलाव क्या हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने मांगे रखी है गवर्नमेंट के सामने, वो मांग क्या है, उन सभी के बारे में हम लोग बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको बिल्कुल बारीक से बारीक जो नोटिफिकेशन है और इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन लोगों के लिए, खास करके जो इस वैकेंसी के ऊपर अपनी उम्मीदें लगा के रखे हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल इत्मीनान से आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और हाँ, जिस भाई या बहन ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है, इसका पार्ट वन भी डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वैकेंसी क्या है, हर एक पद की अलग अलग एलिजिबिलिटी बताई थी मैंने, कि आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका बाउंडेशन क्राइटेरिया क्या है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, और सैलरी क्या है, कितने पद है, किस पद के लिए वैकेंसी है, कहाँ कहाँ हमें ज्वाइनिंग मिल सकती है, सब कुछ मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिस भाई बहन ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो जाके देख लेना। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को दोस्तों। जो विद्युत विभाग की जो वैकेंसी है वो इन कंपनियों के अंडर में है, RVVNL राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, RVPN राजस्थान विद्युत प्रोडक्शन निगम, ठीक है ना, और JVVNL, ठीक है ना, जॉइंट विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, AVUNL और JDVVNL, ठीक है, जोधपुर डिवीजन विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। इन कंपनियों के अंदर दोस्तों अलग अलग वैकेंसी है, कि कोई LDC की भी है, कोई स्टेनोग्राफर की भी है, और वो सब कुछ मतलब पहले मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो आप वो देख लेना। अब दोस्तों इन कंपनियों के अंदर क्या है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है उसके अंदर थोड़े से बदलाव किए गए हैं, आपके जो प्रोसेस है उसके अंदर बदलाव किए गए हैं, और सिलेबस में थोड़ा सा हटके अब की बार थोड़ा सा मोड आया है, उस बोर्ड का काफी सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। ठीक है ना, अब वो फायदा कैसे होगा देखिए दोस्तों, ये थी कंपनियां, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे। यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज किया गया है दोस्तों सिलेबस के अंदर, 5% का ऑलमोस्ट जो है चेंज किया गया है, ठीक है ना, सिलेबस के अंदर। वो क्या है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों एक बात आती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट को एक मतलब कि एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ मांगे रखी है। अब मांगे क्या रखी है गवर्नमेंट के सामने, देखिए क्या था कि इसका जो ये चलो हाँ ये बाद में डिस्कस करेंगे, एग्जाम फीस यहाँ ये बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है जैसे देखो, ये वैकेंसी किसकी है, राजस्थान की है, ठीक है ना, ये राजस्थान की वैकेंसी है। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर तो राजस्थान में ही अलॉट किए जाने की घोषणा की है, कि आपके जो सेंटर है वो कुछ सेंटर तो राजस्थान में अलॉट होंगे, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर, और जो कुछ सेंटर जो है दोस्तों वो कहां आपके अलॉट होंगे, वो अलॉट होंगे आउट ऑफ राजस्थान। कहां दोस्तों, आउट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। अब इस बात से जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो काफी परेशान हैं, वो कह रहे हैं सर मतलब इस टाइम में ट्रांसपोर्ट की इतनी दिक्कत है तो हम कैसे मतलब आउट ऑफ स्टेट जा पाएंगे, जबकि वैकेंसी हमारी राजस्थान की है, ज्वाइनिंग हमारी राजस्थान में होनी है, लेकिन एग्जाम आप बाहर लेने कह रहे हो, जैसे कि हो सकता है आपका चंडीगढ़ आ जाए सेंटर, हो सकता है पंजाब आ जाए, हरियाणा आ जाए, यूपी आ जाए, दिल्ली आ जाए, तो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी वहां जाने के लिए। इसलिए उन्होंने एग्जाम सेंटर जो है क्या है कि ऐसा है, 80% एग्जाम जो सेंटर है वो राजस्थान के अंदर है, ठीक है, और 20% यानी कि 20% जो एग्जाम सेंटर है वो राजस्थान से बाहर है दोस्तों। इसके लिए जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने ये कहा है कि सर ये जो 20% जो राजस्थान के सेंटर बाहर है ना, उनको भी इसके अंदर मिक्स कर दिया जाए, और पूरे जो 100% जो सेंटर्स हैं राजस्थान के एग्जाम्स के, वो राजस्थान के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। इस बात पे दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट मतलब थोड़ा बहुत तो एक्शन लेने की उम्मीद कर रही है, और जैसे ही एक्शन होगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा कि मतलब क्या एक्शन लिया गया है, क्या एग्जाम सेंटर को चेंज किया गया है, या फिर गवर्नमेंट ये कहेगी कि नहीं एग्जाम देना तो फिर बाहर जाके देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब वो नोटिफिकेशन आएगी तब मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और बात,
ये क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, अब एक तो ट्रांसपोर्ट की इतनी दिक्कतें हैं ना, जैसे मान लो ट्रेन चल रही है, ट्रेनों के अंदर पहले रिजर्वेशन कराओ पहले दिन जाके, उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा, तो पहले मतलब रिजर्वेशन में टाइम वेस्ट करो, उसके बाद ये वो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को। इसलिए आउट ऑफ स्टेट का जो है वो 99% चांसेस है कि ये कैंसिल होके इन इन द स्टेट ही हो जाए ऑप्शन, ठीक है ना। ये है एक चेंजेस, तो ये क्या है, ठीक है। इसका ज्ञापन मतलब दिया हुआ है, चेंजेस होने की अभी उम्मीद है और कार्य मतलब प्रगति पे है, गवर्नमेंट एक्शन लेने की तैयारी में है, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम फीस की बात करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक परेशानी थी कि सर एग्जाम फीस बहुत ज़्यादा है ना। वैसे ज़्यादा ही थी, देखो यार 1400 1400 1500 रुपये आप मतलब एग्जाम की फीस ले रहे हो, तो बच्चा कहाँ से देगा इतने, है ना। होता है कोई 100 200 रुपये ले लो, चलो 500 रुपये ले लो, 1400 1500 वो तो फिर अपना राजकोष घाटा पूरा करने वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक और मतलब कि अच्छा ज्ञापन दिया है, अच्छा फैसला लिया है। जो टेक्निकल वैकेंसीज हैं, जैसे कि जयन हो गया, आईएन हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर, जॉइंट इंजीनियर, ठीक है ना, एडिशनल इंजीनियर, जो टेक्निकल वैकेंसी है उनकी तो फीस वही है जो पहले थी, जो मैंने आपको पहली वीडियो में डिस्कस कर दी थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन जो जैसे एलडीसी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इनकी जो वैकेंसीज है ना, अदर जो वैकेंसीज है, जैसे अकाउंटेंट हो गया, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो गए, केमिस्ट हो गया, इनकी जो वैकेंसीज है उनमें जैसे मान लो जिसकी 1400 रुपये फीस थी ना, उसकी 400 रुपये माइनस कर दी है, अब उसको 1000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि 1400 रुपये में से आपको 1000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, 400 रुपये आपके बच जाएंगे, ठीक है। ये मतलब अभी फैसला लिया गया है कि 1400 रुपये हायर फीस है, इसलिए 400 रुपये कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये मतलब आपकी आवेदन की फीस है। ये कौन सी फीस की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ये आवेदन फीस की बात कर रहा हूँ, जो आप फॉर्म भरते टाइम जमा कराते हो, ठीक है ना। ये है आवेदन फीस की बात। तो एक तो ये चेंजेस किया गया है 1400 से 1000 रुपये का। लेकिन जेईई नेक्स्ट की जो है वो दुखदायक बात है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। ये उतनी की उतनी है और एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंजेस और जिसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। जिन भाई बहनों ने मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो देखी थी, उनको पता होगा मैंने दोस्तों आपके साथ एक बात डिस्कस की थी कि आपका जो रेशियो है ना एग्जाम का, वो 60-40 का आता है ना। मैंने आपको कहा था जैसे मान लो जो बीटेक के रिलेटेड है वो 60% बीटेक का आएगा, 40% आएगा पांच सब्जेक्टों में से। ये 40% के पांच सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पांच सब्जेक्ट जो 40% मैंने बोला गया था उसमें था रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश। ये पांच सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें से 40% के जो पेपर हैं वो आने थे, और 60% 60% का मतलब है 60%, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है ना, उसमें 60 नंबर तो आपकी फील्ड से रिलेटेड आएंगे। फील्ड कैसे सर, जैसे मान लो आपने स्टेनोग्राफर का एग्जाम देना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब स्टेनोग्राफर में टाइपिंग होनी चाहिए, अब 60% आपका जो टेस्ट है ना वो टाइपिंग का होगा, और 40% जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन है, वो आएंगे ये वाले रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। लेकिन लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक बदलाव किया गया है, यहाँ पे किया गया राजस्थान सामान्य ज्ञान का 48% कर दिया है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, यहां समझाता हूं मैं आपको। देखो पहले क्या होता है दोस्तों, 2 घंटे का एग्जाम होता था, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन तो आते थे 120 नंबर के, टोटल मार्क्स होते थे 200, 200 नंबर का टोटल पेपर होता था। 60 क्वेश्चन आते थे 120 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, ठीक है। आगे बात समझ में, ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आराम से बताऊंगा। 60 क्वेश्चन ये वो होते थे जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। मान लो आपने जेईई का भरा, तो आपने बीटेक की होगी ना। अब जेईई मान लो किसी ने इलेक्ट्रिकल से भरा, किसी ने मैकेनिकल से भरा, किसी ने सिविल से भरा, तो उनके उनकी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। अब बची बात 40 की, इस 40% में ना वो उसका दुगना देते थे, 80% देते थे, और ये प्रश्न 1 नंबर के होते थे 80%, तो 80 नंबर का ये हो गया, तो 80 का ये हो गया, 120 का ये हो गया। टोटल जो मार्क्स होते थे वो होते 200 200 200 नंबर का पेपर, यानी कि टोटल क्वेश्चन होते थे 80 और 60 140। ये 80 क्वेश्चन किस में जाते थे, ये 80 क्वेश्चन आते थे इनके रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। इनके जो है दोस्तों पहले 80 क्वेश्चन आते थे। पहले ये पैटर्न रहता था कि 10 इसके आगे और 10 इसके आगे और 30 इसके आगे, ठीक है ना, और बाकी जो बच गए, ठीक है, 15 इसके 15 इसके, इस तरह से आते थे, ठीक है। 80 क्वेश्चन मतलब ये देते थे, और इस सब्जेक्ट में से जो भी क्वेश्चन आता था ना, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के होते थे, एक एक नंबर के। लेकिन जो आपकी फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के होते थे, ठीक है ना। तो 60 क्वेश्चन 2 नंबर के यानी कि 120, और 80 क्वेश्चन एक एक नंबर की यानी कि 80, तो ये टोटल मार्क्स हो गए 200, और क्वेश्चन आते थे 140, ठीक है ना। तो 140 क्वेश्चन 200 नंबर के आते थे। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये तो था इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना, और 2 घंटे का एग्जाम पैटर्न अब दिया गया, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज किया गया, और आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। वो चेंज क्या है देखो दोस्तों,
रेशियो था 60-40 का, अब कर दिया है 60-48 का, ठीक है ना। कैसे किया गया देखो, उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान बढ़ा दिया गया है। जैसे देखो दोस्तों, सब्जेक्ट तो आपके यही रहेंगे दोस्तों, 60% तो आपका वही आएगा जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड है। जैसे कॉमर्स वाले जो भाई साहब हैं या कॉमर्स की जो बहनें हैं, वो कॉमर्स से रिलेटेड ही आएगा 60%, ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसको 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 और इसको, इन चारों को क्वेश्चन की संख्याओं को घटा दिया गया है, और यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए। खास बात है दोस्तों, अब आपको इसका फर्क क्या है, फर्क भी मैं आपको बताता हूँ क्या पड़ेगा। देखो बहुत से लोग कहते हैं सर हमारी रीजनिंग कमजोर है, सर हमारा मैथ कमजोर है, सर हमारी, आप जिस देखो जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो हाई लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, उनकी रीजनिंग और मैथ अच्छी होगी, आई नो, ठीक है। लेकिन जो लोग बेसिक तैयारी कर रहे हैं, उनका देखो भाई रीजनिंग उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और मैथ भी उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना, ठीक है ना। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनकी इंग्लिश वीक है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनकी हिंदी वीक है, ये बात तो आप मानते हो दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना बीच में GK GS, ये सबका कॉमन सब्जेक्ट है, ये हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ते हैं सर, और ये इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ते हैं, तो इसका क्या फायदा हुआ। देखो अब मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, रीजनिंग के आएंगे 8%, मैथ के आएंगे 8%, जो अब एग्जाम होगा ना उसकी कह रहा हूँ मैं आपको, इसके आएंगे 48% GK GS के, ध्यान से देखो, राजस्थान के GK GS के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के, ठीक है ना। हिंदी के आएंगे 8 क्वेश्चन और इंग्लिश के आएंगे 8 क्वेश्चन। अब देखो जिसका मैथ वीक है रीजनिंग वीक है, 48 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकता है, इंग्लिश मीडियम वाले भाई की हिंदी वीक है वही 48 तो अटेम्प्ट कर सकता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले की इंग्लिश वीक है वही 48 तो अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये जो फायदा है ना दोस्तों, ये मिला है आप सभी स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ही अच्छा फायदा, मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा फायदा यार, ठीक है ना। देखो एक तो इसका होता यूँ, 12 क्वेश्चन इसके, 12 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 12 इसके, 12 इसके, तो आपका ये भी वीक, 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 तो डब्बा गोल हो जाता। अब देखो मान लो आपकी रीजनिंग वीक है, ठीक है, मैथ वीक है, ठीक है, लेकिन 48 नंबर, मान लो आपने जीके अच्छी तरह से पढ़ा, 48 नंबर तो आएंगे आपके, पहले ये था 40% आते थे, 80% आते थे, ठीक है ना, 14 इसके, 12 इसके, 10 इसके, इस तरह मतलब मिला के आते थे। अब क्या है, 8 ही क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 8 ही क्वेश्चन आएंगे मैथ के, हो सकता है वो 8 आपको अच्छी तरह से आ जाएं, और GK GS के 48% आएंगे, इसके 8, इसके 8, इसके 8, इसके 8, 8 चौके 32, 32 और 48, 48 और 32 कितने हो गए, 80 80 क्वेश्चन हो गए, और 80 नंबर का पेपर होगा, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो 80 तो ये हो गया, और 60% वो तो आपका है ही, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये खास बात है दोस्तों कि GK GS आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, और मैं आपको पर्सनली एक राय देना चाहता हूँ भाइयों, जिनकी मैथ वीक है डरने की कोई बात नहीं है, रीजनिंग वीक है डरने की कोई बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों की हिंदी वीक है डरने की कोई बात नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भाइयों की इंग्लिश वीक है डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऐसा है GK GS जो आप सभी पढ़ सकते हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ वीक वाला स्टूडेंट हो, चाहे रीजनिंग वीक वाला स्टूडेंट हो, इस पर फोकस करो, ये 48 नंबर आप ये लेके आओ। आई बात समझ में, रीजनिंग तो 8 नंबर की आनी है, कर लेंगे जी, मैथ भी 8 नंबर का आना है भाई साहब, ये 48 नंबर का आना है, हिंदी भी 8 नंबर की आनी है और इंग्लिश भी 8 नंबर की आनी है, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन ये देखो आप 48 नंबर की GK GS, ये बहुत ही अच्छी जो है दोस्तों, मतलब इसमें इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गई है, बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया, ठीक है ना। और ये था दोस्तों कि ये सब कुछ चीज़ें हैं कि आपकी GK GS अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चेंजेस है ना दोस्तों, ये किए गए हैं मेनली, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। हर एक चीज़ के चेंजेस मैंने आपको बता दिए, एग्जाम सेंटर वगैरह के, एग्जाम फीस के, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के, ठीक है ना, कंपनीज के बारे में, ठीक है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, अच्छी लगी होगी, ठीक है, अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सभी लोगों तक पहुँचा दो, क्या पता यार आपकी एक शेयर से है ना किसी की ज़िंदगी बन जाए, ठीक है ना। अब कोई भाई बहन ऐसा है जो बेचारा उस चीज़ को पता ही नहीं है कि GK GS का कैसे करना है, तो उसको पता लगेगा, ठीक है ना, कि मेरा मैथ वीक है, अब उसको ये तो पता तसल्ली होगी ना कि चलो अपना GK GS ठीक है तो मैथ वीक है, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे अपने, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए चैनल पे जुड़े रहो दोस्तों, चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो, और कोई भी क्वेरी है बेझिझक मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों चैनल पर प्लेलिस्ट आप उन पर विजिट करते रहिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक, और हाँ 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 जाओ मत, पहले कमेंट छोड़ के जाओ एक प्यारा सा, ठीक है, और शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो वीडियो को, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।